नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर रजक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भोपाल से। आज मेरे पास एक टी वी भी आया सोनी का, 32 इंची है। इसका मॉडल नंबर है KLV32W60II। ये मॉडल नंबर है इसका। देखते हैं इसमें क्या हो गया है। सबसे पहले इसको खोलते हैं, फिर चेक करते हैं इसमें क्या है। ये मैंने खोल लिया इसका नट। ये स्मार्ट टीवी है, ये वाईफाई के लिए आया। देखिए आप, स्मार्ट के लिए है ये। और ये जो है ये सप्लाई के लिए है, यहाँ सप्लाई दी जाती है, एडाप्टर लगाया जाता है। ठीक है, ये यहाँ से आप देखिएगा, ये अपने बैक लाइट के लिए कनेक्शन निकली है। यहाँ से ये कनेक्शन किधर गए, ये सप्लाई है जो है अपने मदरबोर्ड पर आई है। और यहाँ से ये अपने पैनल के लिए आई। तो इसमें सबसे पहले देखना क्या है, इसमें हुआ क्या है, इसको चेक करना है। ये दो तीन जगह से आइए रिपेयर होने के लिए, क्या हो गया है देखते हैं। तो आइए बारीकी से पहले इसका करते हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये बताइए यहाँ पर, ये बर्न हो गया है यहाँ पर। ये पूरा ये आपको दिख रहा होगा। तो अब इसको देखते हैं कैसे ठीक होता है। ठीक, इसको HDMI से वोल्टेज आए हैं, अधिक वोल्टेज आ गया है। जो भी चीज़ से आए हों, ये ख़राब हो गया है। सेटअप बॉक्स यदि शॉर्ट हो गया होगा, उससे 230 वोल्टेज आने लगे होंगे, तब भी ये वोल्टेज यहाँ से आए होंगे, तो ये प्रोसेसर ख़राब कर दिया हुआ है। इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये ट्यूनर जो लगा है वो अलग से लगा हुआ है। देखिए ये, इसको आप दो नट खोलेंगे, ये ट्यूनर बाहर आ जाएगा। ये यहाँ से, ये जो वाईफाई के लिए कनेक्शन गए हुए हैं, देखिए ये वायर जो, ये वाईफाई सेक्शन ये लगा हुआ है, वाईफाई सेक्शन ये है, ये वायर आए हैं यहाँ पर, ये यहाँ लगे। और ये वाले जो केबल है वो LVDS के हैं। और ये जो है यहाँ पर, यहाँ पे ये सप्लाई जो अपनी आई है, ये सप्लाई भी यहाँ से आई है। इस पर सप्लाई आई है, ये अलग अलग प्रकार की ये सप्लाई बनाई गई हैं, ये लगा के यहाँ से। ये 19 वोल्ट इनपुट है। और यहाँ पे एक बैक लाइट ड्राइवर IC लगी हुई है, ये बैक लाइट ड्राइवर IC है, बैक लाइट ड्राइवर। और यहाँ से बैक लाइट चली है, और यहीं से यहाँ से ये कनेक्शन निकले हुए हैं। देखिए ये कनेक्शन, और ये यहाँ पे एक बुफर भी लगा हुआ है, यानी इस सोनी के सेट में बुफर भी लगाया गया है, ये बुफर है। और इसके बाद यहाँ पे ये जो गया है, ये की स्विच दी हुई है यहाँ पर, ये यहाँ से होते हुए यहाँ पर आए हैं की स्विच के थ्रू, यहाँ पर कनेक्शन आया। और यहीं से ये कनेक्शन, यहाँ से ये कनेक्शन होते हुए यहाँ पर, ये नीचे देखिए, ये नीचे लगा हुआ है, ये IR, ये IR के लिए दिए और LED के लिए दिए कनेक्शन, ये है। यदि ये बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता तो इसमें आप अपना यूनिवर्सल बोर्ड लगा सकते हैं अलग से, वो इसमें आराम से लग जाएगा। सीधे सीधे कनेक्शन है इसमें, देखिए दिया हुआ है। आप अपनी डेटा शीट निकाल के, मैंने जो बताया पहले भी कई बार बताया है, उसके अनुसार इसके कनेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें ये पेयर दिए हुए हैं, एक पेयर, 2, 3, 4, 5। तो ये HD पैनल है, ये सोनी का जो है HD पैनल है।
अब इसमें यदि आपको डाटा नहीं मिल रहा है, डाटा कहीं से नहीं मिल रहा है, तो आप इसके अनुसार आप अपने कनेक्शन कर सकते हैं। तो सप्लाई भी देख सकते हैं, सप्लाई कहाँ पर है, सप्लाई किधर से आ रही है और ग्राउंड कौन से हैं, ये आप पता लगा सकते हैं। उसके अनुसार आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। सीधा सीधा कनेक्शन का फंडा है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ पर जो ये बर्न हुआ है, ये बर्न दिख रहा है आपको, ये आपको बर्न देखिए अब दिखने लगा है ये बर्न। तो क्लियर कीजिए, यदि ये शॉर्टिंग दूर हो जाती तो ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से ये जो यहाँ पर प्रोसेसर लगा हुआ है, ये मीडियाटेक का प्रोसेसर, ये प्रोसेसर पर वोल्टेज ज़्यादा पहुँच गए हैं, इसलिए ये ख़राब हो गया होगा। बहुत कम चांस हैं यदि ये सही होगा। और ये कनेक्शन, ये HDMI जो है अपना, ये देखिए ये HDMI पिन है। ये देखिए मैंने ये नया मदरबोर्ड इसमें लगाया है 56 वाला, तो इसके कनेक्शन निकाल दिए। इसके लिए देखिए मैंने सेटिंग की है, ये देखिए नेट से, और ये मेरे पास पैनल पड़ा हुआ था एक पत्ती, उसको लगा दिया इसमें। तो इसमें सभी कुछ मिल गया है, HDMI भी मिल गया है, सब कुछ है इसमें। ये इसके LVDS के कनेक्शन जो थे वो सिंपल, अलग से कोई मेरे को नया कनेक्शन नहीं करना पड़े। जो मार्केट में ये मिलती है, ये मैंने आपको बताया था ये HD में है, ये मार्केट में जो है LVDS मिली उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा, सीधे सीधा मैंने लगा दिया ये, क्योंकि इसकी डाटा शीट में आपको बता रहा हूँ, दूंगा आपको कि कैसे इसके पैनल को मिलाया, मैच किया, दोनों मैच कर रहे हैं, इसको लगा दिया यहाँ पर। ये मैंने एक, ये देखिए बैकलाइट ड्राइवर भी लगा दिया है, ये इसके कनेक्शन मैंने कर दिए कंप्लीट, स्पीकर हो गए। और ये यहाँ पर मैंने, ये ज़रूर मेरे को करना पड़ा कुछ, यहाँ से ये जो वायर हैं सेंसर वाले, ये लगाना पड़ा मेरे को, ये ऐसे ही लगाना, PCB नहीं लगा पाया इसमें। और यहाँ पर ये LED लगाना पड़ी, तो इसके ये मैंने LED कनेक्शन और सेंसर के कनेक्शन अलग से करना पड़े, और ये वायर जो छोटे पड़ रहे थे इसको, इसलिए ये अलग से मेरे को वायर डालना पड़ा स्पीकर के। इसके भी पैरल में कनेक्शन है, 3 स्टेप लगी हुई हैं, तो वो वायर निकाल के मैं डायरेक्ट सीधे लगा दिए साकेट में, तो ये कंप्लीट हो गया है। तो आइए अब इसको चला के देखते हैं कैसा चल रहा है, काम कर रहा है ऑन करके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यदि किसी भी TV में स्मार्ट बोर्ड ख़राब हो जाता है तब उसमें सिंपल बोर्ड लगा सकते हैं, सिंपल बोर्ड भी उसमें सही काम करता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, यदि आपको मेरे वीडियो समझ में आ गया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।